सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एक सोनी का होम थिएटर का बोर्ड है और ये बोर्ड जो है हमारे पास रिपेयर होने आई। इस बोर्ड में इसकी स्पीकर शॉर्ट होने के कारण इसकी आईसी जो है खराब हो गई थी, जिसे हमने चेंज कर दिया और अब ये बोर्ड जो है बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। उससे पहले इस बोर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से पिन क्या क्या काम आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इसकी ऑडियो इनपुट जैक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो देख रहे हो इसकी गेट आईसी है। जो आईसी है इनपुट से आने वाली ऑडियो सिग्नल को हाई एम्पलीफिकेशन करके आईसी तक पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब छोटे छोटे तीन आईसी देख रहे हो, इसकी प्री एम्पलीफायर आईसी है जो कि हमारी ऑडियो आईसी आने वाली सिग्नल को गेन करती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली तीनों आईसी में से इस आईसी काम है कि ऑडियो आईसी में से निकलने वाली सिग्नल को हाई गेन करे, और ये जो आईसी है इस आईसी को हाई एम्पलीफिकेशन सिग्नल देती है, जिस कारण इस आईसी की साउंड परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो दो आईसी देख रहे हो, इसकी एक प्री एम्पलीफायर के लिए है और दूसरा जो है बेस के लिए। इन दोनों आईसी के काम है कि हमारी सबवूफर के लिए लगी हुई आईसी को बेस बनाकर दे, और दूसरी आईसी के काम है कि ऑडियो सिग्नल को गेन करे। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड में ऑडियो के लिए टीपी 3116 और D2 आईसी लगी हुई है। ये जो आईसी हमें 15 से 19 वोल्ट में 30 से 40 वोल्ट की आउटपुट देती है। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड की हम अगर बैक साइड को देखें तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी हीट सिंक देखने को मिलती है, जो कि आईसी से होने वाली हीट को कंज्यूम करती है। फ्रेंड्स, इस तरह की बोर्ड जो है मार्केट में नहीं मिलती है, इसलिए इस तरह की बोर्ड जो है बहुत ही कॉस्टली। अगर आपके पास इस तरह की बोर्ड है और खराब हो गई है, अगर आप इस तरह की बोर्ड को ऑनलाइन मंगाते हो, ये आपको 1000 से 1500 के बीच में मिल सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो ट्रांजिस्टर देख रहे हो, ये 3.3 वोल्ट के लिए जो कि पैनल को सप्लाई देती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सॉकेट लगी हुई है, यहाँ से इसकी पैनल की कनेक्शन जाती है जो कि 19 पिन की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप प्लस माइनस का निशान देख रहे हो, यहाँ से इसके सब ऊपर के लिए कनेक्शन जाती है, और यहाँ पर ये जो सॉकेट लगी हुई है, यहाँ से इसकी स्पीकर के लिए लेफ्ट राइट कनेक्शन की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप बड़े बड़े 4-5 कैपेसिटर देख रहे हो, ये जो कैपेसिटर है वोल्टेज को स्टोर करने की काम करती है, जिसके कारण इसमें लगी हुई ऑडियो आईसी जो है अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आईसी के पास 4-5 कॉइलें लगी हुई जो कि आईसी को ओवरहीटिंग से बचाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बोर्ड की सारी कनेक्शन मैंने यहाँ पर कर रखी है, और इस सॉकेट पे हमें 12 वोल्ट से लेकर 19 वोल्ट तक की सप्लाई देनी पड़ती है, और उसके बाद ये जो बोर्ड है ऑन हो जाती है। फ्रेंड्स, इस बोर्ड को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक रेगुलेटर सर्किट बनाई गई है। तो जैसे इस रेगुलेटर आईसी में हम 1 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, रेगुलेटर आईसी जो है ऑन हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इस बोर्ड को पावर दे दिया है और फिर बोर्ड जो है ऑन हो गई है। तो चलिए जल्दी से इस बोर्ड को मैं आप लोगों को टेस्ट कर दिखा देता हूँ कैसे इसकी परफॉर्मेंस। तो बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक। तो ये वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you.